Hi everyone, welcome to my YouTube channel and it's so good to see you after a long gap. Now in this particular video, we are going to discuss about nominee updation in your DMAT account. Now this is a very serious and very critical issue as per latest SEBI guidelines. आपके account में nominee का नाम होना बहुत ज़रूरी है या फिर आप nominee update नहीं करना चाहते, ये option पे tick होना बहुत ज़रूरी है. Now previously nominee updation का जो काम होता था ये offline हुआ करता था, काफ़ी सारा paperwork उसमें involved होता था. So that's the reason 80 to 90% of the DMAT accounts जो आज की तारीख में open है उनमें nominee updated नहीं है. Okay, so इसी चीज़ को rule out करने के लिए, because अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपके assets है like you know equities होंगी, bonds होंगे, mutual funds होंगे, उसके ऊपर किसका क्लेम है वो क्लैरिटी नहीं होती है. एंड आपके जो लीगल हेयर्स है या फिर जो यू नो फैमिली मेम्बर्स है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है टू कंप्लीट दी पेपर वर्क. सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सेबी ने इन दी इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लाया हुआ है, विच इज़ लाइक यू नो अपडेटिंग द नॉमिनी इन टू योर डीमैट अकाउंट. सो अभी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दैट वी हैव ऑल द प्रोसेस सेटअप एंड जिसके चलते आप ऑनलाइन से 5 मिनट में ये नॉमिनी अपडेशन आपके MF अकाउंट में या फिर डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं. सो इसको कैसे करना है लेट मी शो यू क्विकली ऑनलाइन. पहले तो आज की वीडियो में हम लोग डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कैसे अपडेट करना है वो देखते हैं. सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अपस्टॉक्स के अकाउंट के बारे में. तो अपस्टॉक्स के अकाउंट में गो टू pro.upstocks.com, आपके मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कीजिए, OTP आएगा, OTP एंटर कीजिए, 6 डिजिट का पिन पूछेगा, वो पिन एंटर कीजिएगा. वंस यू एंटर द पिन यू विल हैव इंटरफेस समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपको जो है आपका प्रोफाइल लिखेगा. नाउ ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है मेरे वाइफ के नाम पे है, तो यहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन माय अकाउंट, आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है. यही प्रोसीजर आप आपके अपस्टॉक्स के एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन माय अकाउंट, यहाँ पे आपको नॉमिनी करके ऑप्शन आएगा. तो जस्ट क्लिक ऑन दैट नॉमिनी ऑप्शन एंड यहाँ पे यू विल सी कि अभी इस पर्टिकुलर अकाउंट में नॉमिनी अपडेटेड नहीं है. अगर आपका नॉमिनी अपडेटेड है वहाँ पे तो उसका नाम उधर आ जाएगा. नाउ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है कि आइदर यू हैव टू ऐड नॉमिनी और यू हैव टू सिलेक्ट यू डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्ट आउट. तो उसके लिए यू विल हैव टू क्लिक ऑन ऐड नॉमिनी ऑप्शन. वंस यू क्लिक ऑन ऐड नॉमिनी इट विल टेक यू टू अनदर विंडो. तो यहाँ पे वो पूछेगा कि डू यू वांट टू ऑप्ट आउट. ऑप्ट आउट का मतलब है आप नॉमिनी रखना नहीं चाहते. दूसरा है ऐड नॉमिनी. ओके, तो यूजुअली वी रिकमेंड कि नॉमिनी ऐड करो. ओके, तो नॉमिनी ऐड करेंगे. जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल हैव टू फिल अप दिस, यू विल हैव टू फिल अप दिस सिंपल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर जो है ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस जो भी है आपका रेसिडेंशियल हो सकता है. ओके, पिन नंबर एंड उसके बाद आप इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए. लेट मी क्विकली शो. सो आई हैव फिल्ड अप ऑल द नेसेसरी डिटेल्स. नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे वो आपको डॉक्यूमेंटल प्रूफ मांगेगा. डॉक्यूमेंटल प्रूफ में कौन सी चीज़ें वैलिड है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मास्ट आधार, ये सारी चीज़ें जो है अपडेटेड. आधार कार्ड अगर अपलोड कर रहे हो तो मास्ट आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब जो उसके जो पहले 8 डिजिट होते हैं वो मास्ट होने चाहिए. नॉमिनी सेक्शन में अप टू 3 नॉमिनीज आप ऐड कर सकते हो. सो जो 100% एलोकेशन है, अगर आप 2 नॉमिनी ऐड करते हो तो यू नो 50-50% या फिर 60-40 जो भी आपको एलोकेशन परसेंटेज चाहिए उसके हिसाब से ऐड कर सकते हो. नाउ इन दिस केस लेट मी क्विकली ऐड माय डॉक्यूमेंट. सो आई हैव अपलोडेड माय पैन कार्ड विच मेक्स थिंग वेरी इजी. नाउ यहाँ पे डिटेल्स दिख रहे हैं, मेरा नाम, ओके, रिलेशनशिप एंड परसेंटेज कितना चाहिए. सो एज आई हैव एडेड सिंगल नॉमिनी तो इसमें परसेंटेज आ जाएगा 100%. नाउ सिंपली आई हैव टू क्लिक ऑन e-sign. सिंपली क्लिक ऑन e-sign, इट विल टेक यू टू द आधार कार्ड पेज. यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है आपका. सो आई हैव एंटर्ड माय आधार नंबर, आई विल गेट एन OTP. OTP आएगा वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा. वेरीफाई OTP. सो दैट्स अबाउट इट. ये प्रोसेस कंप्लीट जो है हो चुकी है नॉमिनी ऐड करने की एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू द प्रीवियस पेज जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोसेस को शुरुआत किया था. एंड जहाँ पे हम लोग आएंगे यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि योर नॉमिनी अपडेशन इज इन प्रोसेस, जो कि एक 24 से 48 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन एंड नॉमिनी रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल. यहाँ पे 24 से 72 घंटे दिए हुए. सो 2 से 3 दिन में ये प्रोसेस जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. एंड यहाँ पे जो नॉमिनी सेगमेंट है,
नॉमिनी सेगमेंट में हमने जो नाम ऐड किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इतना इजी था नॉमिनी अपडेट करना इन योर डीमैट अकाउंट। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए। अगर उनके अकाउंट में भी नॉमिनी अपडेटेड नहीं है तो वो फटाफट नॉमिनी अपडेट करके ले। हो सकता है कि 31 मार्च के बाद जो अकाउंट में नॉमिनी अपडेटेड नहीं है वो अकाउंट शायद सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। सो स्प्रेड दिस अवेयरनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।